उनसे पूछिए, हम क्या बता सकते हैं, हमने देखा नहीं, हम उनके बयान को हमने देखा नहीं है, इसलिए हम भी नहीं। आपके एक मंत्री इस तरह का सवाल उठा चुके हैं साली जी, अब ये दूसरे मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, अब क्या कह रहे हैं हमको नहीं पता है, हमने देखा नहीं कि उन्होंने क्या कहा। विधानसभा में वर्ष 2000 कोई बात होगी, अगर मान लीजिए बात हो तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन क्या कहा है हमको नहीं पता। हाँ। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में वर्ष 2019, और हमको तो नहीं लगता है कभी भी जो मीटिंग होती है, हाउस चल रहा था, कहीं तो कोई बात नहीं थी जी। लेकिन क्या कहा है तो जरा बता दीजिए तो जरा हम जान लें। कहा है कि गठबंधन सरकार चलाना आज के दौर में बहुत मुश्किल का काम हो गया, कोई हम लोग के यहाँ बात नहीं सुनता है, कौन नहीं बात सुनता है। हाँ। किससे बात कर रहे, कौन नहीं सुन रहा है, ये तो नहीं पता है। हाँ, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में इसका कोई गठबंधन तो इतने दिनों से चल रहा है, और गठबंधन कितना बढ़िया से एक दूसरे के साथ मिल के काम करता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बात है तो जरूर अपनी पार्टी के लोगों से बात करना चाहिए, कोई बात हो। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में वर्ष 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, वो उस प्रस्ताव में बीजेपी का भी समर्थन था वर्ष 2019 में भी, वर्ष 2020 में भी। अब जब जातीय जनगणना की बात हो रही है और केंद्र सरकार की ओर से इनकार कर दिया गया है, आपकी ओर से पहल किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है, तो सरकार में रहते हुए और सर्वसम्मति में समर्थन देते हुए भी बीजेपी का रुख अलग है इस मामले में, जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, तो आपको क्या फील होता है, कैसा जाति तो आपको अच्छी तरह मालूम, हम तो बराबर कह रहे हैं और पहले भी कह चुके हैं, जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से, और विधानसभा में 2020 में भी हुआ, उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ, ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले, हमने कहा कि नहीं ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे और आज ही हम सब लोगों से बात कर लेंगे, और पत्र भेजने के लिए और फिर मिलने के लिए आग्रह करने का वो सब आज ही हमको करना, आज ही बात कर लेंगे। सभी कई दल के लोगों से बातचीत हो चुकी है और मेरे हिसाब से बीजेपी को भी इस बात के लिए इंटीमेट किया जा चुका है, और सब कुछ बात कर रहे हैं। और समझ लीजिए कि विजय चौधरी जी तो आप आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चौटाला साहब का, तो उनके प्रति तो हम लोगों के मन में आज से नहीं, बहुत जमाने से सम्मान है, तो इसलिए सब लोग एक जमाने में दल में, एक ही दल में रहे, फिर अलग अलग सब लोग हो गए वो अलग बात है, लेकिन जो एक रिश्ता है वो रिश्ता है। वो इतने दिनों तक अंदर थे जेल में, उनको सजा हो गई थी, मुक्त हो गए, सजा समाप्त हो गई, तो हमारे केसी त्यागी जी ने फ़ोन किया, वहाँ उनसे मिलने गए, फिर हमारी बातचीत हुई, तो स्वाभाविक है हम जा रहे थे तो हमने बता दिया कि हम उस दिन आएंगे, क्या जरूर हम आ जाएंगे। आपकी मुलाकात से बीजेपी में नाराजगी को नहीं कहेगा, बीजेपी को इससे क्या लगा, ऐसा तो हमारी समस्या है, किसी को इसमें क्या नाराजगी होगी, हम लोग का किसी रिश्ता है, कोई राजनीतिक बात है, तो जब किसी कोई चीज़ है पुराना, आप सोच लीजिए ना भाई, हम लोगों की पृष्ठभूमि क्या है, जो समाजवादी पृष्ठभूमि है, और उसके अलग अलग समय में जो पार्टियाँ थी तो उनके साथ जो संबंध रहा, तो जो संबंध है पुराना, राजनीतिक रूप से भले ही साथ नहीं है, लेकिन जो एक व्यक्तिगत संबंध है तो व्यक्तिगत संबंध के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लेकर के कोई राजनीतिक बात है, कोई राजनीतिक बात क्या है, हम लोग तो यहाँ हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसलिए हमको नहीं मालूम है किसी को काहे का तकलीफ होगा। जिनसे हमारा पुराना संबंध है, परिचय है, तो उनसे मिलना को नहीं लगता किसी को क्या इतराज हो सकता, भले इसमें तो कोई बात ही नहीं है, और आप जानते हैं कि हम कोई नई बात, कोई खास बात नहीं करते, लेकिन जो एक पहले का संबंध होता है तो मेरे मन में एक आदर का जो भाव है उसके चलते हम करते हैं। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार चलाना बहुत मुश्किल होता है, बिहार में हम लोग चला रहे हैं, तो बात नहीं सुनता, पता नहीं, तो उनसे पूछिए, वो जिस दल में है उनसे पूछिए, हम क्या बता सकते हैं, हमने देखा नहीं, हम उनके बयान को हमने देखा नहीं है,
इसलिए आपके एक मंत्री इस तरह का सवाल उठा चुके हैं, इस बात को मानने को हम कभी, हम तो बातचीत किए ही है और सब लोग एक साथ हैं, एक साथ मिल करके काम किए, इसलिए हम ऐसा नहीं मानते। कुछ लोग बोल सकते हैं, देखिए आजकल क्या हो गया कि कुछ लोग बोलते हैं उसी के ऊपर सारी बात को, जो पहले जो हुआ है सर्वसम्मति से हम तो बार बार कह रहे हैं, और इसमें कोई भी जात का फर्क नहीं है, कोई भी समुदाय का फर्क नहीं इसका नहीं है, एक बार हो जाना चाहिए, कम से कम एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। उसका फायदा पूरे तौर पर होगा और इसका फायदा लोगों को भी होगा और इसका फायदा आप समझ लीजिए गवर्नेंस में भी होगा। एक एक चीज़ के बारे में ठीक ढंग से मालूम होगा और सबके हित में आप और बेहतर काम कर सकते हैं। ये हमारी हम लोग मंत्री जी, अगर केंद्र सरकार से रिलक्टेंट हो, केंद्र सरकार इस मामला में एक बार इनकार कर चुकी है, पार्लियामेंट में घोषणा हो चुका है, अगर रिलक्टेंट हो तो क्या आप ये ऑप्शन ओपन रखते हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर से ये कराएगी? हम लोगों का ये ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा जी, ये बिल्कुल सही, हम तो पहले बता चुके हैं ना भाई, 90 से हम बता चुके जी, सारी बात क्या कितनी बार रिपीट करें हम लोगों को जो नेता थे समाजवादियों, सब लोगों ने तो एग्री किया, और उस समय हम 90 की बात आप लोगों को बताए हैं और सब चीज़ के बारे में, तभी से तो हम जाने, उसके पहले हमको इसका कोई आइडिया नहीं था, तो हम तो बता ही रहे, बराबर बताए हैं, अनेकों बार की आप लोगों के सामने भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि सारे लोगों की जो बात थी राय थी अच्छा होगा, ये देश के हित में है और इससे परस्पर संबंध भी और बेहतर हो जाएगा। लोग समझ नहीं रहे होंगे अपना जाने, करना न करना अपनी बात है। आखिर आपको क्यों लगता है कि अब पीएम पोस्ट के लायक नहीं? नहीं सब मुख्यमंत्री जी एक सवाल, अंतिम सवाल मुख्यमंत्री जी एक सवाल, ये जो कार्य, अरे अब हम तो यहाँ की सेवा करते करते क्या अभी सब कोई हमारे मन में कोई आकांक्षा कोई इच्छा वगैरह नहीं। मुख्यमंत्री जी सब बात, ये अभी बात चल रही है कास्ट सेंसस की, तो 2011 में केंद्र सरकार की ओर से ACCC कराया गया था, जिसका मतलब बहुत सी विसंगतियां उसमें थी, कई जाति के नाम तो जारी ही नहीं, जारी नहीं किया गया, तो उस दिन भी कहे थे कि जो पता चला कि 13 तक में ये काम जी, और हम लोग चाहते थे कि वो पब्लिश हो, नहीं हो सका पब्लिश, तो ये उस समय कहा जा रहा था कि उसमें ठीक आंकड़ा नहीं था, ये नहीं था। अरे भाई तो जब ठीक है ठीक आंकड़ा नहीं था तो अभी जनगणना के साथ कर दिया जाए, उससे सही आंकड़ा आ जाएगा तो और बेहतर होगा ना। तो ये बिहार में ACCC जो कास्ट सेंसस होगा वो ACCC के रूप में वो तो अलग चीज़, वो अलग चीज़।